संसद कांड के आरोपियों पर कसा शिकंजा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम समुदाय यानी मस्जिद पैरोकारों को झटका लगा। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद कांड के आरोपी ललित झा को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। वो इस हमले का 7वां आरोपी है और उसे मुख्य सरगना कहा जा रहा है। वैसे पुलिस ने उसकी 15 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी, फिर 7 दिनों की पुलिस हिरासत मिलने के बाद ललित को स्पेशल सेल के दफ्तर लाया गया, जहां उससे लगातार पूछताछ हो रही है। टीएमसी के पूर्व सांसद महुआ मोहित्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनके मामले की सुनवाई 3 जनवरी तक टाल दी। इस तरह संसद के मौजूदा शीत सत्र में उनकी वापसी की उम्मीदें भी खत्म हो गई। वैसे सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि उन्हें इस केस की फाइल आज सुबह ही मिली है, जिससे उन्हें फाइल पढ़ने का मौका नहीं मिला। हालांकि महुआ के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो सिनॉप्सिस यानी केस को संक्षिप्त में पढ़कर बता सकते हैं। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वो पहले खुद फाइल पढ़ेंगे, तब सुनवाई करेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध कबूतर मिला। इस कबूतर को बीएसएफ की 154वीं बटालियन के जवानों ने ग्रामीणों की जानकारी पर पकड़ा। इस कबूतर के पैरों पर काले अक्षरों से 870689 नंबर लिखा हुआ है। इसके पालतू और ट्रेंड होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये कबूतर अरब के शहजादों के हो सकते हैं, जो कि इन दोनों जैसलमेर के सामने सीमा पार में दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों के शिकार के लिए आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के कुछ विधायकों की अयोग्यता के मामले पर फैसला करने को लेकर विधानसभा स्पीकर को कुछ और समय दे दिया। इससे पहले शिवसेना के शिंदे गुट की अयोग्यता मामले पर विधानसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का और समय देने की गुजारिश की थी। अब अदालत ने फैसले लेने के लिए 10 जनवरी तक मोहलत दी थी।